बृहस्पतिवार को मेवात के फिरोजपुर झिरका की अनाज मंडी में हिंदू मुस्लिम सहित 36 बिरादरी की महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए मेवात के तीनों विधायक सहित कई हजार लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 36 बिरादरी की इस महापंचायत में मेन मुद्दा गोकशी को लेकर रखा गया, जिसमें मुस्लिम धर्म गुरु मुफ्ती मौलानाओं ने गोकशी का साफ साफ शब्दों में बायकॉट किया। 36 बिरादरी की इस महापंचायत में समय सिंह ने कहा कि मेवात को बदनाम करने की एक सोची साजी समझिश रची जा रही है, जिसमें मेवात को टारगेट किया जा रहा है। हाल ही में 3 दिन पहले फिरोजपुर झिरका के रवा बगौला गांव में तथा कथित गोरक्षकों द्वारा गरीब लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें एक बच्ची सहित कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मेवात इलाके में पहले के मुताबिक 80-90% गोकशी पर रोक लगी है। कुछ चंद लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, उनको भी 36 बिरादरी मिलकर बंद करने का काम करेगी। अन्यथा बाहर से आ रहे गोरक्षक, बजरंग दल, अन्य गुंडों को मेवात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेवात के लोगों में रोष इस बात का है, जो काम पुलिस का है उस काम को पुलिस ना करते हुए तथा कथित गोरक्षा बजरंग दल कर रहा है। इस बात को मेवात की आवाम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आईसी घाटा शमशाबाद की जानिब से ये जो पिछले हफ्ते जिस तरीके से इस इलाके के अमन को, जिस इलाके के जो है सम्मान को, और जिस तरीके से साजिश करके, षड्यंत्र करके इस इलाके में अशांति फैलाने की जो साजिशें हो रही हैं उसके खिलाफ, और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया जो है वो एकतरफा होके जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ लोगों के साथ आज सभी समाज के लोग, चाहे किसी तबके के हो, 36 बिरादरी के लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए, और उसमें चाहे उलेमा हजरात थे, चाहे नेतागण थे, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता थे, हमारे सभी लोग उसमें यहाँ आज उन सभी पहलुओं पे आज यहाँ चर्चा हुई है, और उसमें यही फैसला हुआ कि हम मिलके इस हजारों साल का अपने जो भाईचारा है, जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, हमारी इलाका मेवात की जो पहचान है, उसको हम ये बाहर के जो लोग हैं, चाहे गौरक्षक के भेष में हैं, चाहे अन्य किसी भेष में हैं, उनकी साजिश को नाकाम करेंगे। हम मिलके रहें, मिलके रहेंगे, और इस इलाके में इस तरह की घटना ना हो उसके लिए हमने लोगों ने यहाँ एक संकल्प लिया है कि हम इन लोगों के जो साजिश है उनको नाकाम करेंगे, और इस इलाके में जो हमारा अमन चैन है उसे कायम रखेंगे, और उसके लिए चाहे प्रशासन से, चाहे सरकार से बात करनी पड़े वो करेंगे, और उसके अलावा अगर नहीं हमारी बात को सुनती तो उसके लिए चाहे हमें न्यायिक जांच की मांग है तय करें, चाहे हम धरना प्रदर्शन करें, आगे की रणनीति जो है संघर्ष की बनानी पड़े तो उसके लिए भी तैयार। नहीं, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, यही जाके सरकार की कार्य प्रणाली पे जो है उसकी कार्य क्षमता पे सवाल उठते हैं, और उसी के विरोध में ये ज्यादा है कि किसी को कानून में हक नहीं है जो है गलत काम करे तो उसको प्रशासन या पुलिस उस पर रोक लगाए, ना कि किसी आम आदमी को, किसी भी लबादा ओढ़ के किसी चीज को हमारे को कानून का करे, आगे की रणनीति जो है संघर्ष की बनानी पड़े तो उसके लिए भी तैयार। नहीं, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, यही जाके सरकार की कार्य प्रणाली पे जो है उसकी कार्य क्षमता पे सवाल उठते हैं, और उसी के विरोध में ये ज्यादा है कि किसी को कानून में हक नहीं है जो है गलत काम करे तो उसको प्रशासन या पुलिस उस पर रोक लगाए, ना कि किसी आम आदमी को, किसी भी लबादा ओढ़ के किसी चीज को हमारे को कानून का किसी को अधिकार नहीं देता कि वो इस तरीके की हरकतें करे, जिस तरीके के घर पे जाके इन्होंने उन लोगों पे हमला किया, जिस तरीके से उनसे व्यवहार किया गया। मैं कहूंगा अब तो हिंदुस्तान में लगता ये है कि चाहे बलात्कारी हो,
चाहे हत्यारा हो, अगर वो किसी सरकार को उससे राजनीतिक फायदा होता हो उससे, तो उसमें कानून की आड़ को लेकर उसको भी फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये एक बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि लोगों का संविधान में और कानून में विश्वास उठ जाएगा अगर इस तरह की कार्य प्रणाली सरकारें धर्म की आड़ में लेके उस चीज को करें। ये इसकी हम निंदा भी करते हैं और ऐसे उसकी हम मांग भी करते हैं कि इस पे सरकार जो है कड़े से कड़ा फैसला ले और इसमें कोई ना कोई उसका जो ये अविश्वास पैदा हो रहा है कानून में उस